हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो जो है वो है अहमदाबाद मेट्रो के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारी जानकारी दूंगा कि अहमदाबाद मेट्रो का टाइमिंग क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे एंट्री गेट, कहां से एंट्री गेट है और कहां पे एग्जिट गेट है, जो डिसेबल पीपल है उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है, क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे, क्या चीज का सेफ्टी रखना चाहिए, क्या चीज की नहीं रखना चाहिए। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे इसके टाइम टेबल के बारे में। तो जो इसका टाइम टेबल का जो मेट्रो स्टार्ट होती है वो होती है 9 बजे से लेकर, और जब उसका सर्विस समाप्त होती है वो होती है रात के 9 बजे तक। तो टोटल 12 घंटे काम करती है। और रनिंग टाइम जो है वस्त्राल गांव से थलतेज तक है 41 मिनट एंड 53 सेकेंड्स, और थलतेज टू वस्त्राल गांव है 40 मिनट्स और 11 सेकेंड्स। तो ये था इसका टाइम टेबल के बारे में। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ एंट्री एग्जिट गेट एट एंट्रेंस, मतलब कि एग्जिट और एंट्री कहाँ से करना है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो पहले नंबर पर है वस्त्राल गांव, और टाइप ऑफ स्टेशन है मतलब कि वो ओपन है, अंडरग्राउंड नहीं है। तो उसमें ऑपरेशन एंड एंट्री एंड एग्जिट, तो गेट नंबर 1 से जो है वो एंट्री होगी और गेट नंबर 4 से है वो एग्जिट होगी। और जो डिसेबल पीपल है उसके लिए रैंप दिया हुआ है, लिफ्ट नंबर 1 नियर गेट नंबर 1, मतलब कि जो गेट नंबर 1 है उसी के बाजू में लिफ्ट दी गई है। और सेकेंड स्टेशन है निनाद क्रॉस रोड, वो भी ऊपर ही है, ओपन स्टेशन है। उसका जो एंट्री है वो है गेट नंबर 1 से, और जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 4 से। एंड अगेन जो डिसेबल पीपल है उनके लिए रैंप कनेक्टिंग है, मतलब कि जो लिफ्ट है वो है नियर बाय गेट नंबर 1, मतलब कि जो गेट नंबर 1 है उसी के पास में ही लिफ्ट दी गई है। फिर थर्ड बात करते हैं वस्त्राल, वस्त्राल का भी स्टेशन जो है वो भी ओपन ही है, और उसकी जो एंट्री होगी वो होगी गेट नंबर 2 से, और एग्जिट जो होगा वो होगा गेट नंबर 3 से। और जो लिफ्ट है वो है गेट नंबर 2 के पास, और जो सेकेंड लिफ्ट है एग्जिट की वो है गेट नंबर 3 के पास। अब आया फोर्थ स्टेशन है रबारी कॉलोनी, रबारी कॉलोनी का अगेन जो है वो स्टेशन जो है ओपन है, और उसका जो एंट्री का जो गेट है वो गेट नंबर 2 है, और एग्जिट का गेट है वो गेट नंबर 3 है। और जो लिफ्ट है वो नियर बाय गेट नंबर 3 के बाजू में, और जो लिफ्ट है वो है लिफ्ट नंबर 2। फिर फिफ्थ है अम्बराईवाड़ी, उसका भी अगेन जो स्टेशन है वो ऊपर है और ओपन है, और उसका जो एंट्री है वो होगा गेट नंबर 2 से, और एग्जिट है वो होगा गेट नंबर 3 से। और जो लिफ्ट है वो गेट नंबर 2 के बाजू में है, वो है एंट्री के लिए, और जो एग्जिट के लिए है वो है लिफ्ट गेट नंबर 3 के बाजू में। अब सिक्स स्टेशन है वो है अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क वो भी अगेन जो स्टेशन है वो भी ओपन है, वो है गेट नंबर 1 एंट्री के लिए और गेट नंबर 3 है एग्जिट के लिए। और जो लिफ्ट है वो एक ही लिफ्ट है गेट नंबर 1 के पास, लिफ्ट नंबर 1। फिर सेवन स्टेशन आएगा कालूपुर रेलवे स्टेशन पर, जो इसका जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, इसका एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है, वो है गेट नंबर 1, और लिफ्ट भी दी गई है वो है गेट नंबर 1 के पास। आठवां स्टेशन है वो है घीकाटा, घीकाटा के जो स्टेशन है वो है अंडरग्राउंड में, और उसका भी सेम है, इट इज कालूपुर रेलवे स्टेशन की तरह ही है, एक ही गेट है एग्जिट और एंट्री का गेट नंबर 1, और जो उसकी लिफ्ट है वो भी गेट नंबर 1 के पास ही है। अब नौवां जो स्टेशन है वो है शाहपुर, उसका भी स्टेशन जो है वो अभी अंडरग्राउंड है, पर उसमें एंट्री जो है वो गेट नंबर 2 से है, और जो एग्जिट है वो गेट नंबर 3 से है, और जो लिफ्ट नंबर 2 है वो है नियर बाय गेट नंबर 3, मतलब अगर आपको जाना हो तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, नहीं सॉरी लिफ्ट से नहीं जा सकते, वो खाली डिसेबल पीपल के लिए, और वो भी गेट नंबर 3 के पास है। अब आया 10 स्टेशन, वो है ओल्ड हाईकोर्ट इंटरचेंज स्टेशन, मतलब कि ये जो स्टेशन है वहाँ पे आपको जैसे फेज 1 से फेज 2 में जाना, मतलब इधर उधर कोई स्टेशन में है तो यहाँ से आपको इंटरचेंज करना होगा, चेंज करना होगा यहाँ पे मेट्रो, इंटरचेंज स्टेशन ओल्ड हाईकोर्ट। उसका जो एंट्री है वो है गेट नंबर 8 से, और जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 1 से। अब इसमें लिफ्ट का जैसा दिया गया है, एंट्री के लिए लिफ्ट नंबर 5 है नियर गेट 8, और एग्जिट के लिए लिफ्ट नंबर 1 है नियर बाय गेट नंबर 1। 11 जो स्टेशन है वो है एसपी स्टेडियम, उसका जो स्टेशन है वो है ओपन है, ऊपर है वो है एंट्री गेट गेट नंबर 1 और एंट्री गेट गेट नंबर 2। उसकी जो लिफ्ट है वो है गेट नंबर 1 के पास लिफ्ट नंबर 1, और गेट नंबर 2 के पास लिफ्ट नंबर 2। फिर 12वां स्टेशन है वो है कॉमर्स 6 रोड, उसका भी जो स्टेशन है वो भी ओपन है,
वो है गेट नंबर 1 एंट्री और गेट नंबर 5 एग्जिट। जो लिफ्ट वहां पे एक ही दी गई है, लिफ्ट नंबर 1, वो भी गेट नंबर 1 के पास। फिर 13th गुजरात यूनिवर्सिटी का जो है स्टेशन, वो भी उसका जो स्टेशन है वो भी ओपन है। उसका एंट्री नंबर जो है वो गेट नंबर 1 से करना है और जो एग्जिट है वो गेट नंबर 4 से करना है। जो लिफ्ट है वो गेट नंबर 1 के पास भी है और जो लिफ्ट नंबर 2 है वो गेट नंबर 4 के पास है। गुरुकुल रोड, गुरुकुल रोड जो है वो भी उसका स्टेशन ओपन है और जो उसका एंट्री है वो है गेट नंबर 2 से और जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 3 से और जो लिफ्ट जो है वो गेट नंबर 2 के पास है। 15th स्टेशन है दूरदर्शन केंद्र, जो उसकी एंट्री है वो गेट नंबर 1 से है और जो उसका एग्जिट है वो गेट नंबर 4 से है। जो लिफ्ट वहाँ पे अवेलेबल है वो है गेट नंबर 1 के पास। 16th स्टेशन है थलतेज, उसकी जो एंट्री है वो है गेट नंबर 2 से और उसकी जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 3 से और अगेन वो जो स्टेशन है वो भी ओपन है और जो लिफ्ट है वो है गेट नंबर 2 के पास। चलिए अब दूसरा देखते स्टेशन है APMC, वो भी ओपन है। उसका जो एंट्री है वो है गेट नंबर 1 और जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 4 और जो लिफ्ट जो है वो लिफ्ट है गेट नंबर 1 के बाजू में। अब जो दूसरा है वो स्टेशन है जीवराज पार्क, उसका भी स्टेशन ऊपर ही है, ओपन है। उसका है एंट्री है गेट नंबर 2 से और एग्जिट है गेट नंबर 3 से और जो लिफ्ट है वो है गेट नंबर 2 के पास। और उसके बाद वाला स्टेशन है राजीव नगर मेट्रो स्टेशन, वो भी ओपन है। उसका भी एंट्री है गेट नंबर 1 से और एग्जिट है गेट नंबर 4 से और जो लिफ्ट नंबर 2 है वो अवेलेबल है गेट नंबर 4 के पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है श्रेयास, वो भी जो उसका स्टेशन है वो भी ओपन है। उसका जो एंट्री है वो है गेट नंबर 1 से और उसका जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 4 से और जो लिफ्ट नंबर 1 है वहाँ पे वो नियर बाय गेट नंबर 1 के पास है, गेट नंबर 1 के पास है और जो लिफ्ट नंबर 2 है वो अवेलेबल है गेट नंबर 4 के पास। अब नेक्स्ट स्टेशन है पालड़ी, पालड़ी भी वो भी ओपन स्टेशन है। उसका जो एंट्री है वो है गेट नंबर 2 से और जो उसका जो एग्जिट है वो है गेट नंबर 3 से और उसका जो लिफ्ट अवेलेबल है वो है गेट नंबर 3 पर लिफ्ट नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है गांधी ग्राम मेट्रो स्टेशन, वो भी ओपन है। उसका भी जो एंट्री है वो है गेट नंबर 1 से और एग्जिट है गेट नंबर 3 से और जो लिफ्ट है लिफ्ट नंबर 1 वो नियर बाय गेट नंबर 1 के पास में है। और उसके बाद है उस्मानपुरा मेट्रो स्टेशन, वो भी जो स्टेशन है वो भी ओपन है। उसका एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, वो है गेट नंबर 1 और वहाँ पे एक ही लिफ्ट अवेलेबल है, वो भी है गेट नंबर 1 के पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है विजयनगर मेट्रो स्टेशन, वो भी जो स्टेशन है वो भी ओपन है। गेट नंबर 1 उधर भी एक ही है एंट्री और एग्जिट के लिए और उधर भी सेम ही एज इट इज, लिफ्ट नंबर एक ही है और वो भी गेट के बाजू में। नेक्स्ट स्टेशन है वाराणस मेट्रो स्टेशन, वो भी ओपन स्टेशन है और उसके बाद उसकी जो एंट्री है वो है गेट नंबर 1 से एंट्री करनी है और जो एग्जिट है वो गेट नंबर 4 से एग्जिट करना है और उसके वहाँ पे भी एक ही लिफ्ट है जो गेट नंबर 1 के पास है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आता है रानी, रानी में कैसा है कि उधर एक ही एंट्री का और एक ही एग्जिट का, वो गेट नंबर 2 और वहाँ पे एक ही लिफ्ट है गेट नंबर 2 के पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आता है AEC का जो गेट नंबर 2 जो है एंट्री के लिए और गेट नंबर 3 है वो है एग्जिट के लिए और वो भी जो स्टेशन है वो भी ओपन है, वहाँ पे है लिफ्ट नंबर 2 वो भी गेट नंबर 3 के पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है साबरमती मेट्रो स्टेशन, वो भी ओपन है। वहाँ पे जो है एंट्री गेट नंबर 2 से करनी है और एग्जिट करना है गेट नंबर 3 से और वहाँ पे जो लिफ्ट है लिफ्ट नंबर 1 वो गेट नंबर 2 के पास है और लिफ्ट नंबर 2 गेट नंबर 3 के पास है। और लास्ट एंड फाइनल स्टेशन आता है मोटेरा स्टेडियम, उसका भी जो स्टेशन है वो ओपन है। अब एंट्री जो है वो गेट नंबर 2 से है और एग्जिट जो है गेट नंबर 3 से है। अब वहाँ पे जो लिफ्ट है वो है गेट नंबर 2 से कनेक्टेड और जो सेकेंड लिफ्ट है वो है गेट नंबर 3 से कनेक्टेड। तो ये तो था ट्रेन का मेट्रो का एग्जिट और एंट्री का पूरा सिस्टम। मैं इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब इसमें ऐसा तो बोला हुआ है गेट नंबर 1 एंट्री और गेट नंबर 2 एग्जिट है, अब वो कैसे उसको ऑपरेट करते हैं वो तो वो जाने। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसकी जो PDF है मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।